दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, काफ़ी सारे दस्तावेज़ है, लेकिन क्या आपके पास एनएसएसओ है? दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया ऑनलाइन आईडी लॉन्च किया है, जिसको एनएसएसओ आईडी बोला जाता है, और भविष्य में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है आप, और आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो किस तरह से आप अपने लिए एनएसएसओ आईडी बनाएंगे, ये एनएसएसओ है क्या, किन किन क्षेत्रों पर एनएसएसओ आईडी का इस्तेमाल कर सकेंगे, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, और कैसे आप अपने लिए एनएसएसओ आईडी क्रिएट करेंगे ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस तरह का इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, अभी शेयर कर दो, शेयर बटन नीचे है, पहले शेयर करो। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना। वीडियो एंड तक देख के अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और अपना कमेंट, अपना सुझाव ज़रूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये एनएसएसओ क्या चीज़ है और आपको इसकी किस तरह से ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई तरीके की आईडी लॉन्च की है, जिसको एनएसएसओ आईडी बोला जाता है, यानी कि नेशनल सिंगल साइन ऑन आईडी। जिस तरह से आप काफ़ी सारे वेबसाइट में देखते होंगे, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे बताया जाता है कि साइन इन विद गूगल या फिर साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद एप्पल आईडी, इस तरह का ऑप्शन रहता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी गवर्नमेंट साइट पे, सरकारी योजना वाला साइट पे देखा है, इस तरह का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने नेशनल सिंगल साइन ऑन आईडी लेके आए हैं, ताकि आप बस नेशनल सिंगल साइन ऑन आईडी क्रिएट करके रखें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सरकारी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पे। जैसे ही आप किसी योजना के लिए जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा। सिंपली आप अपना एनएसएसओ आईडी वहाँ पे डालेंगे और आपका सारा डिटेल्स उस वेबसाइट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे नेशनल जो एनएसएसओ है उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। आप अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के दस्तावेज़ों के साथ एनएसएसओ आईडी क्रिएट कर सकेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनएसएसओ आईडी जो है आप किस तरह से चीज़ों पे काम आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, काफ़ी सारे सरकारी योजना वाला वेबसाइट हो या फिर कोई भी सरकारी पोर्टल हो, जहाँ पर आपको साइन इन करने के टाइम में जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अगर आपके पास एनएसएसओ आईडी रहेगा तो अभी आप सरकारी साइटों में ये ऑप्शन देखेंगे जहाँ पर लिखा रहेगा एनएसएसओ साइन इन विद एनएसएसओ। तो वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अपना एनएसएसओ आईडी डालेंगे, आगे प्रोसीड कर जाएंगे और भविष्य में हो सकता है काफ़ी सारे चीज़ों में एनएसएसओ आईडी मैंडेटरी हो जाए। तो अभी आपको ज़रूरत है एनएसएसओ आईडी के बारे में समझ ले, जान ले, इस वीडियो में बताए हुए प्रोसेस को समझ के खुद के लिए एक एनएसएसओ आईडी क्रिएट करके रखे। देखिए दोस्तों, डिजिटल ज़माना है और इस तरह का डिजिटल आईडी इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो सीख लीजिए किस तरह से आप अपने लिए एनएसएसओ आईडी बनाएंगे। ये आईडी खुद के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बना के रखें, दूसरों तक भी ये बात पहुँचाए शेयर करके। बहुत सारे वीडियोस आप लोग शेयर करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, लेकिन नॉलेज वाला वीडियो एक दो शेयर कीजिएगा, दूसरों का भला होगा, आपको भी खुशी होगा। चलिए आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने लिए एनएसएसओ आईडी बनाएंगे, जिससे आप किसी भी सरकारी योजना के प्लेटफॉर्म पर इसी आईडी के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। वहाँ आपको बार बार अपनी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये आईडी क्रिएट करना है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। आप वहाँ से क्लिक करके सीधे इस पेज में आएंगे, जहाँ पर आपको लिखा मिलेगा मेरी पहचान। तो इस आईडी को मेरी पहचान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आके आप वेबसाइट के बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आईडी किस तरह से क्रिएट करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन है, लॉगिन विद डिजी लॉकर, लॉगिन विद ई प्रमाण, लॉगिन विद जन परिचय। अगर आपके पास इनमें से कोई भी आईडी है, डिजी लॉकर का, ई प्रमाण का, जन परिचय का, तो सिंपली आप यहां से इन आईडी से लॉगिन करके अपने लिए जो है एक एनएसएसओ आईडी बना सकते हैं। अभी मैं आपको इनके, अगर ये तीनों में से कोई एक है तो सिंपल है, आप क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, हो जाएगा। लेकिन जिनके पास यहां पे इन तीनों में से कोई भी आईडी नहीं है, नए नए हैं, वो कैसे यहां पे रजिस्टर करेंगे वो दिखा देता हूँ। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना होगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा, तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे OTP एंटर करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे OTP वेरीफाई होगा, यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर कर देना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपका नाम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह सही से एंटर कीजिएगा, क्योंकि यही डिटेल्स आपके आने वाले हर सरकारी योजनाओं पे आप इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे भी आप NSSO ID से लॉग इन करेंगे। जेंडर, उसके बाद यहाँ पर आप अपने लिए एक यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, आपका एक पिन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यही पिन और यही यूज़र आईडी आपका एनएसएसओ आईडी बनेगा। तो ध्यान से अपने लिए एक यूज़र आईडी और पिन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे यूज़र ने ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है,
तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो है मेरा आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अभी आप मुझे यहाँ पे जो है वेरीफाई योर अकाउंट विद आधार, तो अभी मुझे अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। अगर मेरे पास अभी आधार नहीं है तो मैं यहाँ पे स्किप नाउ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा आधार अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे आधार नंबर ज़रूर एंटर करूँगा। तो आप भी अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, आधार में एक OTP आएगा। अगर आपके पास आधार फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी का आधार वेरीफिकेशन में प्रॉब्लम भी कर रहा है तो आप स्किप पे क्लिक करके आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट रजिस्टर्ड है, जिन वेबसाइटों में जो है आप NSSO ID के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर इन वेबसाइट्स में हो सकता है लॉगिन करने के लिए NSSO ID मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हर स्टेट का लिस्ट है, हर स्टेट का अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं उनका लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इन वेबसाइट में आप जो है NSSO ID के साथ लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए सिर्फ इन वेबसाइट में ही इन वेबसाइट में मैंडेटरी है या फिर इन वेबसाइट में ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अभी सरकार ने अगर इस तरह से आईडी निकाला है तो हो सकता है इन फ्यूचर हर गवर्नमेंट स्कीम में आपको NSSO ID की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए अच्छा है कि आप अपने लिए अभी से एक NSSO ID क्रिएट करके रखें, बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी कितने सारे वेबसाइट इस वेबसाइट जो है NSSO के साथ लिंक्ड हो चुके हैं। तो अभी मेरे बताए हुए प्रोसेस पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने लिए अपना NSSO ID और पिन ज़रूर बना लें और इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।